आइए पूरी खुशी के साथ उस राजाओं की राजा, उस प्रभुओं के प्रभु की जलाल को पुकारें, उसकी हमदो सना करें। आइए सब जन पूरी शिद्दत के साथ, पूरी भक्ति के साथ उस राजाओं के राजाओं की जलाल को पुकारें। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, खुदावन तुले जला, शहनशाह है मसीहा, जब पाया पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। यस प्रभु, प्रभु जी हम अंगीकार करते हैं, प्रभु जी आप जिंदा खुदा हैं, आप आशीषित खुदा हैं, आप दयावान खुदा है। प्रभु जी हम आपकी हमदो सना करते हुए प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर करुणा के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपका जलाल आज हम सबों पर ऐसा छा जाए प्रभु जी, हमारे जन्मों के रोग मिट जाए प्रभु जी, हम आपकी योजनाओं को समझने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आज आपका जलाल हम सबों पर बरस जाए। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया, जला 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 तेरा है जला, जला 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 खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, खुदावन तुले जला, शहनशाह है मसीहा, आदमुल कवा, जला 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 तेरा है जला,
हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु हे राजाओं के राजा हे राजाओं के राजा हे प्रभुओं के प्रभु हे प्रभुओं के प्रभु हम सब आपके जलाल को आपके जलाल पूरी शिद्दत के साथ पूरी शिद्दत के पूरी भक्ति के साथ पूरी भक्ति के साथ पूरी भक्ति के साथ पूरी भक्ति के साथ पुकारते हैं पुकारते हैं हे राजाओं के राजा हे राजाओं के राजा हे प्रभुओं के प्रभु हे प्रभुओं के प्रभु हे खुदावन खुदा हे खुदावन खुदा हे शहंशाह के शहंशाह हे शहंशाह के शहंशाह हम आपकी हमदो सना करते हैं हम आपकी तारीफ करते हैं तारीफ करते हैं क्योंकि हे प्रभु क्योंकि हे प्रभु ये कायनात पे ये कायनात ये पृथ्वी पर ये पृथ्वी पर एक ही नाम है एक ही नाम है जो उस महिमा के योग्य है जो उस महिमा के योग्य है जो उस आदर के योग्य है जो उस आदर के योग्य है हे राजाओं के राजा हे राजाओं के राजा हे खुदावन खुदा हे खुदावन खुदा हम सब आपकी आपकी हमदो सना करते हैं हमदो सना करते हैं हम सब आपकी आपकी हमदो सना गाते हैं हमदो सना गाते हैं हे राजाओं के राजा हे राजाओं के राजा आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो आपकी करुणा हो आपकी करुणा हो आपका जलाल आपका जलाल आज आज हम सबों पर हम सबों पर हम सबों पर हम सबों पर प्रकट हो जाए 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 हालेलुया 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 प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु यीशु को धन्यवाद प्रभु यीशु को धन्यवाद प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु यीशु को धन्यवाद प्रभु यीशु को धन्यवाद प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु यीशु को धन्यवाद प्रभु यीशु को धन्यवाद हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु हे राजाओं के राजा हे राजाओं के राजा हे प्रभुओं के प्रभु हे प्रभुओं के प्रभु हम आपकी हमदो सना करते हैं हम आपकी स्तुति महिमा गाते हैं स्तुति महिमा गाते हैं आइए सब जन उस पवित्र आत्मा को पुकारे अपने जीवन में आने के लिए उसके आगे मिन्नत करें क्योंकि प्रभु ने हमें एक ही सहायक दिया है जो पवित्र आत्मा है प्रभु ने हमें ये ऐसा सहायक दिया है कि जब हमें पवित्र आत्मा चलाता है तो हम कभी भी गलत फैसला नहीं ले सकते हम गलत विचार नहीं कर सकते उसने अपना पाक और पवित्र लहू बहाकर हम सबों को बचा लिया उस खुदावंत खुदा ने अपना इकलौता पुत्र हम सबों को दे दिया प्रभु से कहीं पुकारे हे राजाओं के राजा हे प्रभुओं के प्रभु आपका पाक रूह आज हम सबों पर उढ़ेल दीजिए जैसे प्रभु जी आपने अपने चेलों पर अपना पवित्र आत्मा उढ़ेल दिया था प्रभु जी वैसे ही प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा का संरक्षण प्रभु जी हम आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी हमें ऐसा बल दीजिए प्रभु जी ऐसा सामर्थ्य दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार केवल और केवल आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें प्रभु जी अपने जीवन को चला पाए प्रभु जी इसमें ना कि प्रभु जी हमारी मर्जी पूरी हो केवल और केवल प्रभु जी आपकी मर्जी पूरी हो आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को जोड़ते हुए उस राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु महान प्रभु यीशु मसीह से बोले कहें उसे हे खुदावन खुदा हे मेरे शहंशाह हे मेरे बादशाह अपना पवित्र आत्मा आज हम सब पर बरसा दे ताकि प्रभु जी मेरी जिंदगी में हर एक जो तूफान आया हुआ है प्रभु जी अंधकारी का नशे का वैर विरोध का दुष्ट बातों का
लड़ाई झगड़ों का, बुरी सोच का, निंदा करने का, चुगली करने का वो तूफान अभी पवित्र आत्मा की बल से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, उसके सामर्थ्य से राइट नाउ अभी वो टल जाए। प्रभु जी हर एक जन को जो इस वक्त प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा में पिता परमेश्वर जी लीन हो रहे हैं, उन सबको प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा का संरक्षण मिले प्रभु जी, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आइए सब जन केवल और केवल उस राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु उसके नूर को देखेंगे, उसके जलाली चेहरे को देखेंगे, उसके नूरी चेहरे को देखेंगे। वो आज भी हम सबों की ओर अपने सिधे हुए हाथ बढ़ा रहा है, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसके पांव और हाथों में कील ठोके गए। केवल और केवल ये उसका प्यार था हमारे प्रति, केवल उसका प्यार था। आइए सब जन उस पवित्र आत्मा का संरक्षण मांगे, उस पवित्र आत्मा को पुकारे। बहने दे उस हवा को, सुने जो हर एक मन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। यस यस यस, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, आपकी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का जलाल प्रभु जी, उसकी हवा हमारे दिलों पर, हमारी आत्माओं पर, हमारी जिंदगियों पर आज बहने दे, बहने दे उस हवा को, सुने जो हर एक मन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, मिलके गाए आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। यस पवित्र आत्मा,
यस पवित्र आत्मा, हम सबों के ऊपर आपका नूर आपका जलाल आज छा जाए, ताकि पवित्र आत्मा जी हम सब जनों उस राजाओं के राजा उस बादशाहों के बादशाह की पाक हजूरी में ऐसे लीन हो जाए, ऐसे मगन हो जाए जैसे दाऊद होता था, जैसे कई नबी होते थे, उसकी हम्दो सना करते हुए वो अपने सुत बुद्ध खो बैठते थे क्योंकि वो किस हाल में है, किस हालात में है और कहां पर है। पवित्र आत्मा जी आज हम सबों के ऊपर ऐसे बरस जाइए कि हम सब जन आपके जलाल से, आपके दिव्य दर्शन से प्रभु की बातों को, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में प्रकट करें। उसका जलाल बह रहा है, अपनी आत्मिक आंखों से देखें उसके नूर को, उसके स्वर्ग दूतों के संरक्षण को। स्वर्गदूतों ने चारों ओर से आपको घेर रखा है, आप जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी आप कोई भी हैं, आप ये विश्वास करिए कि स्वर्गदूतों के संरक्षण ने, उस पवित्र आत्मा के जलाल ने, उसके नूर ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, प्रभु के सानिध्य को, उसकी शांति को, उसके नूर को अपनी आत्मिक आंखों से अनुभव करें, अपनी आत्मिक आंखों से देखें उसके जलाल को, उसके अभिषेक को, कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए हम मौन हो जाएंगे। अभी कुछ पलों के लिए केवल और केवल उस पवित्र आत्मा के जलाल को, उसके नूर को अनुभव करें, महसूस करें। जब पवित्र आत्मा आपको छूता है तो अपने आप आपके आंसू निकलने लगते हैं, आपके बोन्स खड़े हो जाते हैं बॉडी के, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका रोम रोम प्रभु को पुकारता है। यह पवित्र आत्मा का साइन है
जब आप प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं, आपको कुछ टच करता है, आपको ऐसे लगता है कि मेरे को ठंड जैसा लगा है, जहां तो मेरे को पसीना इतना आ रहा है कि ये कुछ है, कुछ तो है जो अलग है, बाकी दिनों से अलग है, बाकी पलों से अलग है। ये सत्य मानिए, उस टाइम आप सबको केवल और केवल वो पवित्र आत्मा टच करता है, वो आपके बीच में से होके निकलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु की मीठी और पवित्र वाणी में पढ़ते हैं कि उस खुदावन खुदा ने, उस यहोवा परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र हम सबों के लिए दे दिया कि हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें, अपने पापों को छोड़ के, अपने अपराधों को छोड़ के उसके द्वारा एक अच्छी जिंदगी जिए, एक आत्मिक जिंदगी जिए। यस, उस खुदावंद खुदा ने हम सबों के लिए एक मनुष्य का रूप धार कर अपने आप को हम सबके बीच में प्रकट किया। वो खुदा था, वो खुद खुदा था। खुदा का मतलब है खुद आप, वो खुदा जो खुद आप है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई दृश्य नहीं है। वचन ये बयां करता है, पवित्र वाणी ये बयां करती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और धरती उसके पांव की चौकी है। तुम उसके लिए कौन सा घर बनाओगे जिसने ये पूरी कायनात को बनाया, ये पूरी सृष्टि को बनाया? हम उसके लिए कौन सा घर बना सकते हैं? उस खुदावंद खुदा ने, उस बादशाह ने हम सबों के जीवन के लिए अपना एक लौता पुत्र हम सबों को दे दिया कि हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। वो खुदा खुद इंसान बनकर हम सबों के बीच में आया, क्योंकि खुदा की योजनाओं को समझने के लिए, जैसे वो पवित्र है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो साफ मन का है, वो शुद्ध है, वैसे हम सबको भी शुद्ध बनना पड़ता है। उससे बातें करने के लिए, उसको अपने भेद बताने के लिए हम सबों को भी शुद्ध बनना पड़ता है, पवित्र बनना पड़ता है। वो खुद खुदा होता हुआ हम सबों के बीच में एक इंसान बनकर हम सबों के बीच में वो रहने लगा। उसने हर एक बात हम सबों को सिखाई, हर एक बात हम सबों को जीना सिखाई।
ये उसका आभार प्यार था हम सबों के प्रति, कि वो इस दुनिया पे एक इंसान बनकर आए। वो खुद बादशाहों का बादशाह होते हुए, प्रभुओं के प्रभु होते हुए, एक दास का रूप धार के हम सबों को बचाने के लिए इस दुनिया में आ गए। ये केवल और केवल उस यहोवा परमेश्वर का हम सबों के प्रति उसका आभार प्यार था। आइए सब जन उसके ये प्यार को देखते हुए कि उसने कैसे हमारे लिए अपने प्राण निशावर कर दिए, उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसके हाथों पे इतनी लंबी लंबी कील ठोकी गई, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसने इतना कुछ सह लिया और उसने अपने मुख से आखिरी में भी ये कहा कि हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रही हैं। प्रिय भाई और बहनों, अगर हम सबों के जीवन में हम देखें, हमारे एक कांटा भी लगता है तो हम चिल्ला उठते हैं, हमको दुख लगता है और खून बहने लगता है। आप सोचें कि उस राजाओं के राजा ने, उस बादशाहों के बादशाह ने अपने सिर पर कांटों का वो मुकुट रखा जिसमें अनेकों कांटे थे, वो कील अपने हाथ में भुकवाए जो इतने लंबे कील थे कि उनके हाथ से उस क्रूस पे भी वो बाहर हो गए थे। इतने लंबे कील उसने हम सबों के लिए अपने हाथ पांव में जड़वा लिए। ये उसका केवल और केवल प्यार था। आइए सब जन उस राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह को कहें कि हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु, हे मेरे बादशाह, मैं आपकी हमदोसना करता हूं। प्रभु जी, आपने मेरे लिए इतना दुख कष्ट सहा और प्रभु जी आप मारे गए, प्रभु जी दफनाए गए पिता परमेश्वर जी, और तीसरे दिन प्रभु जी अपने कहे अनुसार प्रभु जी आप मृतकों में से जी उठे। प्रभु जी, प्रभु जी मैं ये विश्वास करता हूं, अंगीकार करता हूं प्रभु जी, आप आज भी जिंदा खुदा हैं, आप आज भी दयालु खुदा हैं। प्रभु जी आप आज भी मेरे आसपास रहते हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में रहते हैं, प्रभु जी मेरी जिंदगी को आप ही चलाते हैं। प्रभु जी आइए सब जन अपने हाथों को जोड़ते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु के उस नूरी चेहरे को देखें, उस जलाली चेहरे को देखें कि कैसे उसने हम सबों के लिए इतनी पीड़ा सहकर अपने प्राण हम सबों के लिए निशावर कर दिए। हे प्रभु के प्रभु, हे बादशाहों के बादशाह, हे खुदावंत खुदा, मैं आपके वो प्यार के लिए प्रभु जी, आपके वो बलिदान के लिए प्रभु जी, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूं। हे मेरे जिंदगी के राजा, हे मेरे जीवन को चलाने वाले जीवनदाता, मैं आपके वो प्यार के लिए आपके नाम को धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, क्योंकि आप ही प्रभु जी वो धन्यवाद के योग्य हैं। प्रभु जी आपने
अपने प्राण निशावर कर गए प्रभु जी, हम सबके प्राण बचा लिए प्रभु जी। इतने बड़े उपकार के लिए प्रभु जी, इतने बड़े प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम का शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। सब जन अपने मुख से उसके नाम को धन्यवाद देंगे, अपना मुख खोलें और उसके नाम को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपके आभार प्यार के लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। प्रभु जी आपने हम सबों के लिए प्रभु जी अपने प्राण निशावर कर दिए प्रभु जी, आप बलिदान हो गए प्रभु जी हम सबों के लिए प्रभु जी। आपके ये अपार प्यार के लिए प्रभु जी, ये इतने बड़े बलिदान के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करता हूं जो कोई भी इस वक्त स्तुति वंदना में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, प्रभु जी आज आप अपने नूरी चेहरे से प्रभु जी, सिधे हुए हाथों से उन सबों को प्रभु जी शो के पवित्र कर दीजिए प्रभु जी, जैसे आप पवित्र हैं, जैसे आप दयालु हैं प्रभु जी। उनके मनों में, उनके हृदयों में प्रभु जी अपनी दया उढ़ेल दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं सब लोगों को, उनके घरों को प्रभु जी आपके पाक हाथों में देता हूं प्रभु जी, आपके पाक स्वर्गदूतों का संरक्षण मांग लेता हूं प्रभु जी। उनकी जिंदगियों में, उनके जीवनों में, उनके घरों में, उनके बिजनेस में, हर एक जगह पर जो दिन भर में प्रभु जी उनके काम आती है प्रभु जी, वो हर एक जगह को प्रभु जी मैं आशीषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. छू लीजिए प्रभु जी, अपने सिधे हुए हाथों से छू लीजिए प्रभु जी, अपने नूरी चेहरे से प्रभु जी उन सबको प्रभु जी दर्शन दे दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी सबों के जन्मों के रोग मिट जाएं प्रभु जी, जन्मों के कष्ट मिट जाएं प्रभु जी। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी उस पलों के लिए, जिस पलों में प्रभु जी आपने हर एक दुर्घटना से हम सबों को बचाया है प्रभु जी, हम सबों को एक और नया जीवन दिया है प्रभु जी। प्रभु जी मैं बाकी का टाइम आपके पाक हाथों में देता हूं प्रभु जी, हर एक की जिंदगी में स्वर्गदूतों का संरक्षण मांग लेता हूं प्रभु जी। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी कि आपने हम सबों की प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, और आपको आज की यह स्तुति महिमा स्वर्गराज में पसंद आई है प्रभु जी। मैं अंगीकार करता हूं, विश्वास करता हूं प्रभु जी, प्रभु जी विश्वास करता हूं कि आपने हम सबों की प्रार्थना को सुना और सुन के कबूल किया है। मैं यह प्रार्थना को तेरे बेटे जिंदे यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। आइए सब जन प्रभु की शान में एक और नया गीत गाएंगे, आज यीशु जिंदा है हम बताने हैं। यस प्रभु आज भी जिंदा है, वो कल भी जिंदा था और हमेशा वो जिंदा रहेगा। आइए सब जन उस जिंदा परमेश्वर की हमदोसना करें, उसकी शान में ये गीत को पूरी खुशी के साथ इस गीत के में शामिल हो जाएंगे। इस गीत को मेरे साथ गाइए तालियों के साथ।
मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि जो कोई भी स्तुति महिमा को देख रहा है उसने सच में प्रभु का आत्मा आज पाया है, प्रभु का जलाल पाया है, प्रभु की शांति पाई है। ये सत्य मानिए कि आपने आज प्रभु का जलाल पाया है। इस लिंक को अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हर कोई ये जान पाए कि प्रभु आज भी जिंदा है। वो आज भी दुखियों बीमारों की प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर प्रभु के राज्य को फैलाने की योजना करें। आइए सब जन एक साथ मिलकर प्रभु के राज फैलाने की कोशिश करें कि उसका वचन हर एक घर घर में, हर एक दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे, आप ऐसे ही प्रभु की छत्रछाया में उसके मीठे वचन सुनने के लिए ये चैनल पर बने रहिए।